हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज। एग्जैक्टली हमारा ये सेकंड पार्ट है ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इससे पहले हम पार्ट वन कंप्लीट कर चुके हैं, आपने अगर वो पार्ट अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से जाकर इस पार्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, किस तरह अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होगा या फिर वो ऑर्गेनिज्म भी होगा, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो या फिर सिंगल सेलुलर हो, उसके अंदर चार तरह के बेसिक टिश्यूज देखने को मिलते हैं, जो कि होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो ये चार बेसिक तरह के टिश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमने एपिथेलियल टिश्यू पहले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिए ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी भी लेक्चर को लेके, और लेक्चर पूरे देखा करिए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं अच्छी तरह से तभी आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप लेक्चर बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पूरा लेक्चर देखो ताकि पूरा फायदा उठा सको, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है 100% एनसीईआरटी से आता है, तो इसलिए आज हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे इसकी, जैसा कि हम बाकी के चैप्टर्स के साथ करते आए हैं। ये चैप्टर जो है 100% एनसीईआरटी है, तो इसके अंदर आपको इसके एग्जांपल और इसकी मेन लाइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं, बट आप ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है वैरायटी में हमें देखने को मिलेंगे, हमारी पूरी बॉडी के अंदर वैरायटी में देखने को मिलेंगे, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर सबसे ज्यादा अधिकतर मात्रा में क्या देखने को मिलता है हमें, कनेक्टिव टिश्यू। और दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया, एक सेकेंड, इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया, बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू। ये जो है दूसरे टिश्यू को या दूसरे ऑर्गन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। और दो बोन्स को या फिर दो टिश्यूज को, दो सेल्स को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि लिंकिंग करते हैं उसकी आपस में, इसलिए इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। इनकी रेंज क्या होती है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज से लेके हार्ड यानी कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो बिल्कुल अलग फंक्शन करने के लिए बने हुए हैं उस तक होती है। इसको समझने से पहले हम एक बार इसका फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और किस किस तरह से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। तो जनरली कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें तीन तरह के टिश्यू देखने को मिलते हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज एंड रेटिकुलर, ये तीनों किसमें आएंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कौन से टिश्यू देखने को मिलते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर मतलब जिसके अंदर जो आपकी टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं वो जनरली एक कोई सिंपल पैटर्न को फॉलो करें, और जो इररेगुलर हैं उसके अंदर क्या होगा, लूजली होंगी सारी, ठीक है, वो आपस में सेमी फ्लूइड होंगी और उनका कोई पाथ नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं होगा, ऐसे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी वो, इसका मतलब इररेगुलर शेप होगी उनकी, तो वो सिर्फ एक ही तरह की होंगी। और रेगुलर वाली हमें जो है दो तरह की मिलेंगी देखने को, यानी कि वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइबरस में क्या आ जाता है, आपका टेंडन और शीट, और जो येलो इलास्टिक होता है उसके अंदर आपका आता है लिगामेंट एंड शीट। हमारा थर्ड जो पोर्शन है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ये तीन तरह के होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज के अंदर आपको तीन तरह के कार्टिलेज देखने को मिलेंगे, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। बोन के अंदर दो तरह की बोन्स देखने को मिलेंगी, एक होगी कॉम्पैक्ट जो बिल्कुल मतलब रिजिड होगी, और एक होगी स्पॉन्जी, एंड थर्ड है आपका ब्लड, ठीक है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह ही काम करता है, बट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जो चार्ट है ये आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेगा कनेक्टिव टिश्यू के, तो आई होप आपने ये चार्ट ड्रॉ कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ये चार्ट जरूर ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज आगे चल के आप अगर इस चार्ट को रिवाइज करके नहीं जाते हो तो ये बात गारंटी से है कि आप भूल सकते हो चीजों को, लेकिन अगर आप इस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में बिठा लोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे चीजों को, ये बात पक्की है। तो प्लीज इस फ्लो चार्ट को बना लो, ड्रॉ कर लो या प्रिंट निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बट इसको अपने आंखों के सामने रखो ताकि आपको याद रहे, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो है बॉडी के अंदर वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ देखने को मिलेंगे। देखो
लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्किन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो हमारी स्किन होगी उसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर हमें कॉलेजिन फाइबर्स देखने को मिलेगी, ठीक है। और भी बहुत तरह के फाइबर्स देखने को मिलेंगे, बट मेन है कॉलेजिन फाइबर। उसके बाद सेकेंड है हमारा एडिपोज टिश्यू, जो बॉडी में जो फैट होता है ना वो कौन स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज सेल होती है उसके अंदर जो हमारा फैट है वो स्टोर होगा, और जब फैट स्टोर हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे एडिपोज टिश्यू, ठीक है। उसके अंदर फैट की ड्रॉपलेट्स होती हैं, सेल का न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली हो गई। देन थर्ड आता है हमारा ब्लड। ब्लड जो है जनरली इसके अंदर हमें तीन तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, विच इज WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, एंड देन RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, एंड प्लाज्मा। ये बॉडी के अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही इंक्लूड होता है, बट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। देन हमें फोर्थ जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर हमें कॉलेजन फाइबर देखने को मिलेंगे, और ये क्या बनाएगी, हमारा लीगामेंट। और लीगामेंट किसके अंदर बनता था, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ओके, ये याद रखना। उसके बाद आता है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो जॉइन करने का काम करता है। देखो ये जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर दो बोन्स के एंड पे, ठीक है, बोन के एंड पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्टिलेज, जो कि बोन को आपस में जोड़ रहा होगा। इसके अंदर हमें मैट्रिक्स भी देखने को मिलता है, और सेल तो ऑब्वियसली इसके अंदर देखने को मिलेंगी। उसके बाद आते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो है बोन। बोन के अंदर हमें सेंट्रल मैट्रिक्स देखने को मिलता है, मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, एंड हमारा जो है सेल देखने को मिलेगी। ये हमारा कहाँ होगा, जो हमारी कार्टिलेज है वो किसको कनेक्ट करती है, बोन्स को। तो बोन और कार्टिलेज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देन हम आगे आ जाते हैं। हमने अभी देखा कि हमारे जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक्सेप्ट ब्लड, द सेल सिक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कॉलेजिन और इलास्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप, एक सेकेंड। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको एक चीज बहुत ईजिली याद रहनी चाहिए कि, सॉरी ये तो बेकार वाला हो गया, एक बार कलर्स डिसाइड कर लेते हैं, येलो ही ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे MCQ जो है वो नीट के लिए ये बनता है बिल्कुल डायरेक्ट लाइन से, कि ऐसा कौन सा टिश्यू है, ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके सेल्स फाइबर को सिक्रेट नहीं करते, ठीक है, यानी कि कोलेजन को सिक्रेट नहीं करते। तो आंसर होगा आपका ब्लड, ओके। उसके बाद आप क्या देखोगे कि द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फाइबर्स जो होती हैं, अब ये अगर ब्लड में नहीं है तो बाकी के हमारे कनेक्टिव टिश्यू में है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। जनरली आपकी अगर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अगर रिजिड होंगे, वो सॉलिड होंगे, तो उसके अंदर वो टूट जाएंगे। तो इट इज द मेन रीजन इसके अंदर इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रखने का, ताकि मूवमेंट में हेल्प कर सकें। दीज सेल ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, ये सेल जो है मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड को भी सिक्रीट करते हैं, विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स, जो कि सेल्स और फाइबर्स के बीच में हमें देखने को मिलती है। और वो किस तरह काम करती है, मैट्रिक्स के थ्रू, ठीक है, एज अ मैट्रिक्स काम करेगी, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। ये सेमी फ्लूइड हमें देखने को मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो जनरली तीन तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। देखा हमने, अभी हमने पढ़ा था हमारे चार्ट के अंदर, वही यहाँ पर बताया हुआ है। तो आगे चलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके पास सेल्स होंगी और फाइबर्स होंगी, ठीक है, फाइबर्स होंगी जो कि लूजली अरेंज्ड होंगी, यानी कि उसके अंदर थोड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब ये लचीले होंगे, ये सॉलिड नहीं होंगे। सेमी फ्लूइड मतलब कुछ सॉलिड और कुछ फ्लूइड के वे में, आप कह सकते हो कि मिडवे में, ना ही वो पूरी तरह सॉलिड होंगे ना ही वो पूरी तरह फ्लूइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एरियोलर टिश्यू, एक सेकेंड, एग्जाम्पल है एरियोलर टिश्यू, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, स्किन के नीचे, बिनिथ द स्किन, मतलब स्किन के नीचे। ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है कि ऐसा टिश्यू बताओ जो कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है फॉर एपिथीलियम। तो आंसर है आपका एरियोलर टिश्यू, ओके। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, एरियोलर टिश्यू के पास क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट, जो कि, अब आप ये पूछोगे कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं किसको, फाइबर को। नाम से पता चल रहा है फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि फाइबर नाम के अंदर आ रहा है, तो किसको प्रोड्यूस करेंगे और किसको सिक्रीट करेंगे, फाइबर को। देन मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल जो होते हैं वो किसके अंदर होगा, हमारा फाइब्रोब्लास्ट के अंदर।
अब आते हैं नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू के अंदर. एडिपोज टिश्यू ये लूज कनेक्टेड टिश्यू का ही पार्ट चल रहा है. एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होगा, इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ ऑफ द स्किन. ये एक और दूसरे तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है. द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स. इस सेल के जो टिश्यू होते हैं वो स्पेशलाइज्ड किसके लिए रखे गए हैं, फैट को स्टोर करने के लिए. जनरली द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स व्हिच आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू. इसका मतलब क्या हुआ, जब आप खाना खाते हो तो उसके अंदर मोस्टली जो पार्ट है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आप उस एनर्जी को यूज करते हो अपना काम करने के लिए. बट उसके अंदर कुछ पार्ट जो है जो उस टाइम पे यूज नहीं हुआ, कुछ फूड का पार्ट है, न्यूट्रिएंट का पार्ट है जो एनर्जी नहीं बना उस टाइम पे, वो क्या बन जाता है, फैट बन जाता है. और वो फैट बन के फ्यूचर के लिए बॉडी उसको स्टोर करती है कि फ्यूचर में आप जैसे कभी फास्ट रखते हैं या आप कभी जैसे डाइटिंग करते हैं तो आपको जरूरत होती है एनर्जी की. तब आप उतना पोर्शन नहीं ले रहे होते हैं अपनी बॉडी पर, पोर्शन नहीं ले रहे होते हैं तो आपकी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की. वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, आपका फैट, ठीक है, जो स्टोर्ड होती है एनर्जी. तो वो किस सेल में, सेल के अंदर स्टोर होगी, एडिपोज टिश्यू के अंदर, ठीक है. एडिपोज सेल जो कि स्टोर करते हैं फैट को उसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू. देन आगे चलते हैं, ये हैं आपके एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम जो कि एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू के हैं. देखते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है. ये जो है सबसे बड़ा एरिया जो है ये है फैट स्टोरेज एरिया. उसके बाद ये जनरली न्यूक्लियस है और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. उसी तरह से हम देखते हैं एरियोलर टिश्यू, इसके अंदर हमें बहुत कुछ, ये वाला डायग्राम बहुत बार आपका नीट में आ चुका है और आएगा भी, तो इसको प्लीज ध्यान से लेबलिंग देखो. ये जो है हिस्सा आपका मैक्रोफेज है, ये वाला हिस्सा फाइब्रोब्लास्ट, इसके अंदर मैक्रोफेज और हमारा सेकेंड पोर्शन जो है वो प्रेजेंट होगा. उसके बाद हम देखते हैं कॉलेजिन. कॉलेजिन कहाँ है, ये रहे आपके कॉलेजिन, और ये जो पूरा है ये हमारा मिलके बनाता है एरियोलर टिश्यू, ठीक है. मास सेल यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे. तो हमारा मैक्रोफेज और मास सेल को कौन इंक्लूड करता है, फाइब्रोब्लास्ट, ओके. तो चलिए आगे चलते हैं, ये हमने एनसीईआरटी के डायग्राम भी देख लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एनसीईआरटी कोई भी डायग्राम को छोड़े नहीं. अब देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का बहुत सिंपल सा पोर्शन. आपको जो है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एरियोलर एडिपोस इन्हीं के वे में दिया हुआ है, बट आपको एनसीईआरटी में रेटिकुलर टिश्यू के बारे में नहीं बताया हुआ जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. उसके बाद देखो रेटिकुलर टिश्यू आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको रेटिकुलर फाइबर देखने को मिल रहा है, मेलानोसाइट, एक सेकेंड इसको ले लेते हैं, ओके, ठीक है. मेलानोसाइट आपको देखने को मिल रहे हैं. अब इसके बाद आपको दिख रहे हैं फिक्स्ड मैक्रोफेज और व्हाइट ब्लड सेल देखने को मिल रहे हैं, कैपिलरी रेड ब्लड सेल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. फैट सेल यानी कि फैट सेल किस, फैट सेल जो जिस वे में प्रेजेंट होते हैं उस वे को क्या कहते हैं, एडिपोसाइट, ठीक है, क्योंकि एडिपोज में होते हैं. ये रहा इतना बड़ा जो पोर्शन है इस सेल्स के अंदर, क्या है, ये एडिपोज टिश्यू है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट ऑलरेडी स्टोर्ड है. यहाँ पे आपका मास सेल, इलास्टिक फाइबर, कॉलेजन फाइबर, ये फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट कौन से होते हैं, जो सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन को, ठीक है. मैट्रिक्स प्रोटीन क्या होगा आपका, यहाँ पे जो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स को. उसके बाद फ्री मैक्रोफेज. देन ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, इज द मैट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का. आगे चलते हैं फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट. फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं आपस में, जिनको हम कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज. अब आप ये देखना कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू और जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू है इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ. लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर सेमी फ्लूइड जो सारे स्ट्रक्चर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ना ही वो पूरी तरह फ्लूइड थे यानी कि तरल भाव में थे, ना ही वो पूरी तरह से सॉलिड में थे. बट हमारा जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर आपको जो पोर्शन है वो आपको पूरी तरह से या तो इरेगुलर मिलेगा या रेगुलर मिलेगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में मिलेगा. अगर वो इरेगुलर होगा तो वो कहलाएगा डेंस इरेगुलर टिश्यू, और अगर वो रेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा आपका फाइबर्स तो वो कहलाएगा आपका डेंस रेगुलर टिश्यू, ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और डेंस इरेगुलर जो है वो तो सिर्फ एक ही टाइप में है, डेंस इरेगुलर. बट डेंस रेगुलर जो है वो दो तरह के होते हैं, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू. व्हाइट फाइबर्स जो हैं वो दो तरह की होंगी, टेंडन और शीट, और येलो इलास्टिक दो तरह के होंगे, लिगामेंट एंड शीट, ठीक है. तो आगे चलते हैं, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं डेंस रेगुलर के बारे में. यहाँ से लेके यहाँ तक आप बात करोगे डेंस रेगुलर के बारे में, ठीक है, यहाँ तक. उसके बाद हम देखेंगे इरेगुलर के बारे में. तो देखते हैं, द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज. कोलेजन फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होगा रोज के बीच में, ठीक है, यानी कि अगर वो
इस तरह से प्रेजेंट है तो वो इसी तरह से प्रेजेंट रहेगा आगे भी, और ऐसे 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 प्रेजेंट रहेगा। वो ऐसे नहीं होगा कि एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है तो दूसरा, ये हो गया इरेगुलर, ठीक है, और ये हो गया आपका रेगुलर। तो आगे चलते हैं, टेंडन्स विच, एक सेकेंड, कॉलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के जो बंडल्स होंगे उनके बीच में ही आपका ये जो डेंस रेगुलर टिश्यू है ये प्रेजेंट होगा, और इसकी पोर्शन क्या होगी प्रेजेंट होने का, शेप क्या होगी कि ये रेगुलर इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि रो के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन्स, ऐसे टेंडन जो अटैच करते हैं स्केलेटल मसल्स को बोन्स से, ठीक है, और लीगामेंट क्या होते हैं, वो अटैच करते हैं एक बोन को दूसरे बोन्स से। तो आपको यहाँ पे ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा कि टेंडन क्या होते हैं, वो होते हैं जो अटैच करेंगे स्केलेटल की मसल को, यानी कि स्केलेटल की जितनी भी मसल्स होती हैं उसको अटैच करेंगे बोन्स से ताकि उसके बीच में जॉइंट रहे, कनेक्शन रहे। दैट्स द मेन रीजन कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और लिगामेंट जो है ये अटैच करते हैं एक बोन को दूसरे बोन से। तो ये दोनों लिगामेंट और टेंडन किसका एग्जाम्पल है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। देन नेक्स्ट आते हैं हम डेंस इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट और बहुत सारे फाइबर्स स्पेशली कॉलेजन, ये जो होते हैं ओरिएंटेड रहते हैं डिफरेंटली, यानी कि बहुत सारी वैरायटी में प्रेजेंट होंगे, और ये जो टिश्यू है ये प्रेजेंट रहेंगे स्किन के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं कार्टिलेज, एक सेकेंड, अब हम देखते हैं एक बार जो हमने पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका डेंस रेगुलर, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हो सारी जो जो आपके फाइबर्स हैं ये सब कॉलेजन वगैरह ये रेगुलर वे में प्रेजेंट है, ठीक है, एक रो के अंदर प्रेजेंट है। जहाँ की आप देख रहे हो डेंस इरेगुलर में एक यहाँ पे फाइबर प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, तो इस तरह से इरेगुलर इसकी शेप है। दैट्स अ मेन रीजन इसको कहते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब हम देखते हैं हमारे कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, ये जो होते हैं वेरियस टाइप के क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आगे पढ़ते हैं कार्टिलेज, बोन और ब्लड के बारे में हम विस्तार में पढ़ते हैं। द इंटरसेल्युलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, कार्टिलेज का जो इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है वो सॉलिड होगा। अब तक क्या चल रहा था, सेमी फ्लूइड, ठीक है। अब तक हमारा जो जितना भी स्ट्रक्चर हमने देखे, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू देखे, सब सेमी फ्लूइड थे, बट ये जो है स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल अलग बने हुए हैं, तो ये होंगे सॉलिड में। एंड प्लाइएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन, ये रेसिस्ट कर सकते हैं कंप्रेशन, दबा भी सकते हैं, कंप्रेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और अपनी डेंसिटी को बड़ा घटा भी सकते हैं। इस सेल्स के टिश्यू को, सॉरी, इस टिश्यू के सेल को, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इनको हम क्या कहते हैं, कोएंड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कोएंड्रोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे नीट में पूछा जाएगा कि कोएंड्रोसाइट्स किसका जो है, किसके सेल्स होते हैं, या फिर कार्टिलेज का जो है सेल क्या कहलाता है, कोएंड्रोसाइट्स। ये एनक्लोज्ड होंगे स्मॉल कैविटीज के बीच में, और जहां पे मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होगा, जो कौन सीक्रेट करेगा, हमारे कोएंड्रोसाइट्स। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। ज्यादातर कार्टिलेज जो होते हैं वर्टिब्रेट के अंदर, वो जो एम्ब्रियो के अंदर है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, बट कार्टिलेज जो है आगे चल के रिप्लेस कर लिया जाएगा बोन्स के थ्रू, ठीक है। बोन्स जो है कार्टिलेज को रिप्लेस कर लेती है एडल्ट के अंदर। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। अब एडल्ट के अंदर मोस्टली जगह पे हमारी कार्टिलेज को किसने वो कर लिया है, रिप्लेस कर लिया है बोन ने, बट मोस्ट ऑफ द प्लेस में हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है एडल्ट के अंदर। वो चीजें, वो जगह कौन सी हैं, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, ईयर जो हमारे बाहर के जहाँ पे जॉइंट्स हैं वो, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स, हमारे दो बोन्स हैं, जैसे कि हमारी ये दो बोन्स हैं, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा आपका, कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, लिम्स, हैंड लिम, वो फोर लिम्स हो सकती है, ठीक है, हिंड लिम भी हो सकती है, इन सबके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज। उसके बाद देखते हैं बोन्स, बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। बोन्स जो है उनके पास हार्ड सब्सटेंस होता है और नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होगा, जो कि कैल्शियम सॉल्ट्स में और कॉलेजन फाइबर्स में बहुत ज्यादा रिच होगा, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर कैल्शियम फाइबर्स एंड कॉलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, विच गेव बोन टू इट्स स्ट्रेंथ। बोन को उसकी स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, कैल्शियम सॉल्ट एंड कॉलेजन फाइबर।
कोलेजन जो है उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा. इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी. हम सबको पता है अगर बोन्स नहीं होंगे हमारी बॉडी में तो मसल्स खड़े नहीं रह पाएंगे. हमारी बॉडी के अंदर बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि वो जो है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम देती हैं, हमारे बॉडी को एक सपोर्ट देती हैं. बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. आपने देखा होगा कि हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए हमारा सॉरी ब्रेन को सॉरी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो स्कल है वो प्रेजेंट है, आपके लंग्स और हार्ट को सपोर्ट करने के लिए आपकी रिब केज प्रेजेंट है. ठीक है, आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि आपका जो जो स्टमक है, स्टमक एरिया है, पेट का एरिया है, वहाँ पे कोई ये सिंगल एरिया है जहाँ पे आपको कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं मिलती. ऑर्गन्स ऐसे ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बोन्स देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज हम मैमल्स हैं. ठीक है, हम भी एनिमल्स में आते हैं, हमने जो है दो पैरों पर चलना सीख लिया है बट बाकी के एनिमल्स ने दो पैरों पर चलना नहीं सीखा है. तो वो अब भी जब चलते हैं, चार पैरों पर चलते हैं, तो उनका पेट का जो स्ट्रक्चर है वो जमीन की तरफ आता है. और जब ये जमीन की तरफ आता है तो जनरली कोई भी एनिमल उनके ऊपर अटैक करेगा तो वो पीछे की तरफ अटैक करेगा. दैट्स द मेन रीजन उनके पीछे भी, बैक की तरफ भी उनकी बोन्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, हैंड पे भी बोन प्रेजेंट है, स्कल यानी कि ये जो हमारा ब्रेन है ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए, स्कल के रूप में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो लेकिन पेट वाला एरिया जो है वो जमीन की तरफ होता है तो वहां पर कोई भी अटैक करने के चांसेस कम है. ठीक है, तो वहां पर प्रोटेक्शन की इतनी जरूरत नहीं होती. दैट्स द मेन रीजन वहां पे आपकी कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती. अब बोन सेल्स जो होती हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स. जैसा कि हमने अभी देखा था, हमने जो कार्टिलेज की सेल्स थी उनको हमने क्या कहा था, क्वाड्रोसाइट्स. उसी तरह बोन की सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनको याद रखना, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने. ठीक है, ये ऐसी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं लैक्यूने. लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स. लिम्ब बोन्स जो होती हैं उनको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं लेग्स की. ये क्या होती है, वेट बियरिंग फंक्शंस. जैसे कि इनका फंक्शन क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है हमारे लेग्स के ऊपर होता है, तो हमारी लिम्ब बोन्स जो है वो हमारी बॉडी का पूरा वेट झेलती हैं. दैट्स द मेन रीजन इनको हम कहते हैं वेट बियरिंग फंक्शन होता है इनका. दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. ये इंटरैक्ट करती हैं स्केलेटल की मसल्स के साथ ताकि हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो सके. ठीक है, द बोन मैरो इन सम बोन्स इन द स्पाइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल. इसका मतलब क्या हुआ, बोन मैरो जो हमारी बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा ब्लड बनना शुरू होता है. इट इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल. ठीक है, क्योंकि कुछ बोन्स जो होती हैं उनके अंदर बोन मैरो जो है वो प्रोड्यूस करेगा आपका ब्लड सेल्स को, जिसके थ्रू आपका ब्लड जो है वो फॉर्म होगा, प्रोडक्शन होगा आपके ब्लड का. देन हम देखते हैं ब्लड इज अ फ्लूइड. अब ब्लड के बारे में हम आगे चैप्टर्स जो हैं उनमें भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर, मतलब बहुत छोटा सा पोर्शन यहाँ बताया गया है ब्लड के बारे में, उसको कवर करते हैं. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा. ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि इसके अंदर मतलब ये सॉफ्ट होता है, बिल्कुल पानी के बहाव में होता है एक तरीके से. इसके अंदर हमें कोई भी हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता. इसके अंदर हमें सेल देखने को मिलती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल RBC, WBC, वाइट ब्लड सेल प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स. ओके, इसका मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड, ये जो हमारा ब्लड होता है ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड होता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस. जैसे कि ऑक्सीजन को अगर ले जाना है तो ऑक्सीजन को हमारे हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर कौन प्रोवाइड कराएगा, ब्लड. तो दैट्स द मेन रीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे यही है. और इसके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे चैप्टर नंबर 17 एंड 18 में, तो वहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ इस चैप्टर में इसके बारे में इतना ही पता करना था हमें. अब हम देखते हैं हमारा टिश्यूज, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ये किस तरह से. देखो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो है वो है आपका कार्टिलेज, देन है आपका बोन, देन है आपका ब्लड. कार्टिलेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कोलेजन फाइबर, कार्टिलेज सेल, जो कि कार्टिलेज सेल कौन सी होती है, क्वाड्रोसाइट्स. उसके बाद हमें बोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा ऑस्टियोसाइट. ठीक है, और हमारा जो ऑस्टियोसाइट देखने को मिलते हैं और कोलेजन फाइबर्स तो ऑब्वियसली होंगे ही. देन हमें जो ब्लड है, ब्लड के अंदर तीन तरह के सेल देखने को मिलते हैं, वो है RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC. तो इसी के साथ कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका पोर्शन हमने कंप्लीट किया, फुल NCERT कवर की है, एक एक लाइन NCERT की हमने पढ़ी है. तो आई होप आपको अब NCERT देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इस NCERT में, इस पोर्शन में तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि आप एक बार जब पढ़ लेते हो एक पोर्शन को तो आपको वो पोर्शन बहुत ईजी लगने लग जाता है. अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक जरूर करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, बहुत आपके काम की चीज़ें वहाँ पर गिवन है, कुछ बुक्स गिवन है. अगर आप क्वेश्चन आंसर्स लगाते हो, ऑब्जेक्टिव लगाते हो, आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो प्लीज़ वहाँ से बुक खरीदो.
आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑब्जेक्टिव बुक है, लास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अंदर, लास्ट टू लास्ट ईयर 20s 30 ईयर्स के क्वेश्चन है, वो भी चैप्टर वाइज, कोई चैप्टर पढ़ा उसके चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरह से बुक्स वहाँ पे गिवन है, वो ले सकते हो आप। और बाकी की वीडियोस की भी लिंक गिवन है, वो भी आप देख सकते हो। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मसल टिश्यू के ऊपर, यानी कि मस्कुलर टिश्यू के ऊपर, तो उस तब तक वेट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।